क्या, हमारे इधर बालकनी भी है घर में, तो बालकनी में मस्त मौसम था, हल्की हल्की बारिश गिर रही थी, तो हम दोनों कुर्सी डाल के बालकनी में बैठ के पी रहे थे। रुको जरा, सबर करो। और फिर नजर पड़ी तो पता चला कि हमारी पूरी सोसाइटी बालकनी में बैठ के पी रही है। आपकी पूरी सोसाइटी शराब पीती है? शराब की कौन बात कर रहा है? नहीं नहीं, शराब नहीं। तो फिर आप क्या पीने की बात कर रहे हैं? अरे चाय। चाय। बताया कि आप मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे शादी करना चाहते हैं, मैं आप पर गुस्सा होकर चली गई, तो पापा मुझ पर गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि मुझे आपके जैसा ईमानदार और होनहार लड़का लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। अरे वो तो आपको पहले से जानते हैं, आपका तूफान एक्सप्रेस पढ़ते हैं। अच्छा? हाँ। ऐसा कहा आपके पापा ने? अरे वो तो आपका नाम सुनकर इतने एक्साइटेड हो गए हैं कि आज ही आपसे मिलना चाहते हैं। मैं चलता हूँ, तुम चाय पियो। नहीं नहीं मेहता साहब, नहीं। अगर आपको चाय पीने नहीं मिल रही है तो मैं चाय कैसे पी सकता हूँ? अरे जैसे ये बेशर्म पी रहा है। नमस्ते चाचा जी। अरे बिल्ली मास्टर, आओ छोड़ी कैसे हो? बढ़िया। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है, आज तुम दोनों यहाँ अचानक? और सुना है आपके यहाँ खिचड़ी पक रही है क्या? हाय जेठा जी, गुड मॉर्निंग। अरे बबीता जी। जेठा जी जरा ये देखो ना, ये मोबाइल की बैटरी खराब हो गई, मैंने इतनी जगह पे ढूंढा पर कहीं पे भी ये नहीं मिल रही है, प्लीज दिखाइए। ये देखिए। अरे अभी मिल जाएगी, उसमें क्या है? ओहो, तो पुराना मोबाइल की बैटरी है। ये पुराना पीस आपके हाथ में शोभा नहीं देता, बदल डालो। जेठा जी ये मेरा नहीं, अय्यर का मोबाइल है। हाँ तो उनके लिए तो बराबर। परसों रक्षाबंधन है और मम्मी को अहमदाबाद जाना है। माँ ने कहा कि पूरे परिवार के साथ आना। बस इतनी सी बात? अरे इसमें मुझे क्या पूछने का दया, सीधा ना बोल देने का। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। वाह वाह, पुराने जमाने का गाना, मतलब पुराने जमाने का गाने। बोलो, पुराने जमाने को याद किया तो उस जमाने का आदमी भी दिख गया। रुको जरा, सबर करो। अबे घर घर जाके इस तरह करना चालू किया म्यूजिक।